और अब ये जानने का वक्त आ गया है कि हमारे जज गुरुज ने क्या निर्णय लिया है। जज गुरु संजय, आदित्य, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट माई वोट इज फॉर सजदा सिस्टर्स। जज गुरु श्रेया, मेरे हिसाब से आज दोनों ने अपना बेस्ट नहीं दिया है। बट टू लूज अ कंटेस्टेंट लाइक सजदा सिस्टर्स वुड बी समथिंग आई वुड नॉट लाइक, तो मेरा वोट सजदा सिस्टर्स के लिए। जज गुरु सुनो, मेरा अगर वोट जाता तो वो सजदा सिस्टर्स को जाता है इस पर। सजदा सिस्टर्स, कांग्रेचुलेशन, आप अपनी जगह ले सकते हैं। I'm very sorry. It's okay, no problem. थैंक यू श्रेया जी, आप बहुत ही फ्रेंडली थे। मैं इतना दुखी नहीं हूँ कि आपने मुझे वोट नहीं किया, सही किया आपने। उसके लिए मैं तुम्हें पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगी कि क्यों नहीं आज अपने टीम को मैंने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अमित, तुमको एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आज के फेस ऑफ में अगर तुम थोड़ा और अच्छा गा लेते तो फिर मैं तुम्हें ही वोट करती। आदित्य, मैं एक बात कहना चाहूंगा इस बात फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दिस बॉय गिव, उसके लिए उसने जो आके कमबैक किया पिछले दो एपिसोड्स में, बहुत कमाल परफॉर्मेंस किया, उसके लिए आज उसने जो स्पिरिट दिखाई है जाते जाते, एक स्माइल और वही स्पिरिट एज अ ग्रेट कॉम्पिटिटर, उसके लिए एंड फॉर द टू फैबुलस जजेस हु हैव टेकन ऑनेस्ट जजमेंट, हु हैज गिवन, हु हैव सैक्रिफाइस, उन्होंने खुद की टीम के लोगों को, ये मुझे लगता है हिंदुस्तान की टेलीविजन रियलिटी शो में ये ऐसे जजेस हो ही नहीं सकते, और इनके लिए हम और आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। अमित, आपकी एक्स फैक्टर की जर्नी यहीं तक रही, लेकिन जितनी भी रही बहुत ही जबरदस्त रही। आइए, एक्स फैक्टर में मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट वो था, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती, जिसे आप भगवान की तरह मानते हो वो आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे। अभी तक एक्स फैक्टर में इससे अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा ही नहीं अभी तक। जितनी भी जान है मुझे लगानी है ताकि इसके जरिए मैं फेमस हो सकता हूँ, इससे ही मैं अपने करियर की शुरुआत कर सकता हूँ। यू आर इन माई टीम। श्रेया जी के साथ हम रहते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, एंड शी इज वेरी कोऑपरेटिव। जाने अब मेरा होना क्या है, क्या मैं हूँ जैसा बस हूँ वैसा रहूंगा। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि तुम मेरी टीम में हो, ये प्लेटफॉर्म इज राइट फॉर यू। आप अकेले कंटेस्टेंट हो जिसके लिए बाहर कॉन्सर्ट्स की मांग आ रही है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, आपने स्टेप्स बहुत अच्छे किए और गाना भी बहुत खूबसूरत गाया। थैंक यू सर। आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, योर परफॉर्मेंस इज स्पेक्टेक्युलर। सजाने सबके दिलों से नफरत को मिटाने, जो मुझे बनना है वो यही एक्स फैक्टर, ही मेरी सीढ़ी है। यहाँ से अगर मैं निकल गया तो जो मेरा एम है वो थोड़ा और कठिन हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। काफ़ी दुख होगा मुझे कि गॉड ने अपॉर्चुनिटी दी थी और इसको मैंने मिस कर दिया। अमित, आपकी लाइफ हमेशा यूं ही गुनगुनाती रहे, इसके लिए हमारी तरफ से ये लावा का नया M30 म्यूजिक फोन, जिसमें है SRS Wow HD। बहुत बहुत शुक्रिया।